अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी एक बिल्कुल ही नया तरीका लेके आया हूं कि हम किस तरह से दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने चार एग्जांपल लिखी हुई हैं, हम किस तरह से दो डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है 22 मल्टीप्लाई बाय 23। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब ये टू डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, सबसे पहले आपने करना है कि नीचे तीन लाइनें लगा लेनी है जहाँ पे आपने इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टू को टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, फोर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू थ्री दा सिक्स, वो हम लास्ट पर लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इनके दरमियान में क्या आएगा वो हमने देखना है। तो हम वो कैसे लिखना है उसका आंसर, हमने अब क्या करना है कि जो फर्स्ट डिजिट था उसको अब आपने सेकेंडरी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, टू थ्री दा सिक्स, और जो सेकंड डिजिट था उसको हमने फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो टू टू दा फोर, और दोनों को ऐड कर लेना। ठीक हो गया। ये कितना बन जाएगा, टेन। यहाँ पे हम लिख लेंगे टेन। आइए अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है। ये सिक्स का सिक्स आ जाएगा इसका। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो लास्ट वाला डिजिट है ना एक, वो हमने यहाँ पे लिख लेना, और जो वन है वो आगे हमने कैरी कर देना यहाँ पे, और फोर और वन फाइव, तो ये आ जाएगा इसका 506 आंसर। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है, 32 मल्टीप्लाई बाय 24। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तीन लाइनें लगानी नीचे, एक दो तीन। फिर फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, थ्री टू द सिक्स, यहाँ पे लिख लेना है। फिर हमने सेकंड नंबर को सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, टू फोर द एट, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने करना है फर्स्ट नंबर को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, थ्री फोर द ट्वेल्व, यहाँ पे लिख लेना है। फिर सेकंड नंबर को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो टू टू द फोर, इन दोनों को ऐड कर लेना, ये बन जाएगा 16। तो आपने सिक्स यहाँ पर लिख लेना है ये वाला, और जो वन बचा वो आगे कैरी कर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 806 और 17, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 768। अब हम इसी तरह तीसरी एग्जांपल करते हैं, ये क्या है, 34 मल्टीप्लाई बाय 56। सबसे पहले हमने क्या करना है, तीन लाइनें लगा लेनी नीचे, फिर फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 35 15, यहाँ पे हमने 15 लिख लेना है। फिर सेकंड नंबर को सेकंड नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 24। अब यहाँ पे देखना आपने क्या करना है, अगर 24 आ जाए तो 4 आपने यहाँ पे लिख लेना और 2 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। समझ आ गई कि हमने क्या करना है कि 4 यहाँ पे लिखना है और 2 आगे फॉरवर्ड कर देना, कैरी फॉरवर्ड कर देना है। फिर हमने क्या करना है, ये 2 यहाँ पे कैरी है, फर्स्ट नंबर को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 3 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 18। फिर हमने सेकंड नंबर को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो बन जाएगा 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 20। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 38। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 38। ठीक हो गया। अब ये 4 का 4, अब हम 38 में 2 ऐड करेंगे तो 40 बन जाएगा, तो 40 का यहाँ पे 0 आएगा और 4 आगे क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 15 और 4 कितना बन जाएगा, 19, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं कि हम लास्ट वाली एग्जांपल कैसे करते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी मैंने ली है, 75 को हमने मल्टीप्लाई करना है 82 के साथ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तीन लाइनें लगा लेनी नीचे, ये मैंने तीन लाइनें लगा ली। अब फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, क्या आएगा, 56। यहाँ पे हमने 56 लिख लेना। आगे सेकंड नंबर को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 5 को 2 के साथ करेंगे तो 10। तो आपने क्या करना है, 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी फॉरवर्ड कर देना। आगे अब हमने क्या करना है दोबारा, कि फर्स्ट नंबर को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 7 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, वो बन जाएगा 14। और सेकंड नंबर को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 5 और सेकंड है 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 40। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 54। यहाँ पे हम लिख लेंगे 54। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, ये 0 का 0, 54 में 1 ऐड करेंगे तो 55, 55 का 5 यहाँ पे लिख लेंगे और 5 आगे कैरी कर देंगे। अब हम इसको 56 में 5 ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 61। तो ये आ जाएगा इसका आंसर।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। शुक्रिया।